मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जीएसटी ट्रेनर एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर के। पिछले वीडियो में हमने जनरल एंट्रीज के बारे में देखा था, जनरल एंट्रीज करना सीखा था। आज मैं बताता हूँ आपको कंपाउंड जनरल एंट्रीज। कंपाउंड जनरल एंट्रीज क्या होती है, किस तरह से की जाती है। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, कंपाउंड क्या मतलब होता है? कंपाउंड का संयुक्त करना, ग्रुप बना देना। कुछ एंट्रीज जैसे कि सैलरी है, रेंट है, टेलीफोन बिल, इन सब में क्या है, ये जो भी एक्सपेंसेस है, अगर ये सारे खर्चे हम लोग एक ही दिन में कर रहे हैं, जैसे एक दिन में एक ही तारीख में मैंने किसी को रेंट भी पेमेंट किया है, सैलरी भी पेमेंट की है, तो सेपरेट सेपरेट एंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं। जनरल एंट्रीज हम लोग पहले कर चुके हैं, उससे मान लीजिए मैंने किसी को सैलरी पेमेंट की, ये मेरी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट है 5000 टू कैश अकाउंट 5000। सेम डेट पे सेम टाइम मैंने किसी को रेंट पेमेंट किया, तो हमने उसकी एंट्री बना दी रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। यहाँ जो रेंट और सैलरी है दोनों एक ही नेचर के, दोनों का जो नेचर है वो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट सेपरेट एंट्रीज करने के बजाय इस एंट्री को कंपाउंड कर सकते हैं, एक एंट्री में दोनों चीजों को डाल सकते हैं। किस तरह से एंट्री बनेगी, दोनों जो डेबिट पर्टिकुलर्स हैं हमारे सैलरी और रेंट, उन दोनों का हम एक साथ मेंटेन करेंगे, एक साथ लेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 5000, रेंट अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है। अब यहां देखिए, पहले ट्रांजेक्शन में कैश भी हमको 5000 रुपए से क्रेडिट होना है, दूसरे में अगेन कैश आपका 5000 से क्रेडिट हुआ है, टोटल जो क्रेडिट वैल्यू है कैश की वो है हमारी 10000। एक साथ हम लोग टू कैश अकाउंट 10000। तो जो दो सेपरेट ट्रांजेक्शन थे, जो दो अलग अलग एंट्रीज थी, हम लोगों ने उसे जोड़ दिया, एक बना दिया, तो ये कहलाते हैं कंपाउंड जनरल एंट्रीज। एक ही तारीख में जब एक नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, सेम ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वो कहलाता है कंपाउंड जनरल एंट्री। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे किसी एक खाते को डेबिट किया गया है, दो खाते क्रेडिट किए गए हैं, या किसी एक खाते को हमने क्रेडिट किया, दो खातों को डेबिट किया, जैसा कि इसमें किया है, या कहीं भी दो अकाउंट एक साथ डेबिट हो रहे हैं और दो अकाउंट एक साथ क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो सब कंपाउंड जनरल एंट्रीज क्या आती है। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेंट का मुझे पेमेंट करना है 20000 रुपए, लेकिन 20000 रुपए का कैश पेमेंट हम लोगों ने उसे नहीं किया, रेंट पेड 20000, आउट ऑफ दिस 5000 पेड इन कैश एंड 15000 पेड बाय चेक, 20000 रुपए रेंट का भुगतान किया गया, इसमें से 5000 रुपए नगद और 15000 रुपए चेक के माध्यम से हम लोगों ने चुकाया। अब यहां देखिए कि जो हमारा भुगतान का माध्यम है, जो पेमेंट मोड है, वो दो है, कैश और चेक। इस ट्रांजेक्शन में हमारा तो रेंट अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैंक अकाउंट। चेक दिया है तो पैसा बैंक से निकलेगा, तो बैंक अकाउंट हमको यहां पर इस तरह से एंट्री पास होगी। रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टोटल कितना है आपका 20,000। फिर मोड ऑफ पेमेंट, भुगतान का माध्यम क्या है, कैश और बैंक दोनों है, टू कैश, कैश कितना गया हमारा 5,000, बाकी जो 15,000 रुपए है वो हमने चेक से पेमेंट किया, बैंक से पैसा निकलेगा टू बैंक अकाउंट 15,000। ये आपका क्रेडिट और डेबिट पर्टिकुलर मैच हो गया। इस ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट हमारे यहां पे क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये है हमारा कंबाइंड जनरेटिव्स। दो अलग अलग एंट्री बनाने के बजाय रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, नेक्स्ट एंट्री हम लोग बनाए रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, हम लोगों ने एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों चीजों को मेंशन कर दिया, कंपाउंड कर दिया एंट्री को।